नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ईटीवी लाइव न्यूज। दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने पेश हूं। एक कहानी एक राजा की। एक राजा दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य का राजा उसे उपहार स्वरूप में दो हंस भेंट करते हैं। दो बाज के बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, वो लेकर के अपने राज्य में आता है और उनके लालन पालन के लिए वो अपने बगीचे में एक आदमी रखता है, उसे ट्रेनर यानी आप उनकी सेवा करनी है और उन्हें ट्रेन करना है कि वो अच्छी तरह से उड़ान भर सके। ऐसा ही हुआ। वह आदमी काफ़ी कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे बाजों को उड़ना सिखा रहा था। समय बीता गया, बाज बड़े हो गए और उन दोनों बाज में से एक बाज तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से ट्रेंड हो गया, लेकिन दूसरा बाज ठीक थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखा था। एक दिन राजा को लगा कि आज चलते हैं अपने बाघ जहाँ रहते हैं वहाँ पर और देख के आते हैं किस तरह से बाघ अपने ट्रेंड हुए या नहीं। तो जब राजा आता है और दोनों को उस आदमी को कहता है चलो इन दोनों को उड़ाइए। जब दोनों बाजों को उड़ाते हैं तो एक बाज तो बहुत अच्छी ऊंचाई तक उड़ जाता है और दूसरा वाला उसी डाल पर बैठ करके वापस थोड़े देर तक उड़ता है, फिर वापस उसी डाल पर आके बैठ जाता है। राजा ने पूछा कि आखिर वजह क्या है जब एक बाज उड़ रहा है, दोनों की एक ही जगह पर लालन पालन हुआ है, एक ही ट्रेनर ने इनको ट्रेनिंग दी है और एक इस तरह से उड़ रहा है कि वो आकाश को छू रहा है और दूसरा वापस उसी डाल पे आकर बैठ रहा है। तो उसने कहा कि सर देखो, हमने तो काफ़ी ट्रेनिंग करवाई, दोनों को एक जैसी करवाई, लेकिन ये तो बता नहीं सकते। तो उसने दूसरे दिन राज्य के अंदर ये अनाउंसमेंट करवाया कि अच्छी तरह से इन बाजों को कोई ट्रेनिंग दे सके, यहाँ पे इसके अंदर की जो ये आदत है कि वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है, ये छुड़ा सके। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर आए, उन्होंने कोशिश की लेकिन उन बाज को उस डाल पर बैठने से कोई नहीं रोक पाया। फिर से वह थोड़ी देर उड़ता है और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है। परंतु एक किसान जो कुछ ही समय बाद में आता है और जिस डाल पर वह बाज बैठता है उसी डाल को काट के चला जाता है। धीरे धीरे वो बाज उसी दूसरे वाले बाज के साथ में उड़ना प्रारंभ करता है, उसी की तरफ बहुत बढ़िया आकाश को छूने लग जाता है। वैसे एक दिन राजा आया अंदर और देखा तो बाज दोनों आकाश के अंदर उड़ रहे हैं। तो जल्दी से उस आदमी को बुलाया और कहा कि आखिर ये किस तरह से संभव हो गया और किसने संभव करवा दिया, किस बाज को उड़ना सिखा दिया, ये वापस क्यों नहीं आ रहा है। तब दूसरे दिन जब वो आदमी गया और उसको बुलाया तो वहाँ एक किसान था और किसान राज्य में आकर के पेश हो गया। दूसरे दिन उसको सम्मानित किया गया और उससे पूछा कि आखिर आपने इस बाज को कैसे उड़ना सिखा दिया। तब वो किसान ने कहा कि मैंने साहब, मैं तो एक किसान हूँ, मैं इतना कोई ट्रेनिंग नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस डाल पर ये बाज बार बार आकर बैठ रहा था उसी डाल को मैंने काट दिया। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अपने ज़िंदगी के अंदर भी बुराइयाँ की डाल है। अगर हम लोग अपनी उस बुराई की डाल को ही काट देंगे, स्वतः ही समाप्त कर देंगे, तो हम पुनः उस बुराई की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए हमें हमारे अंदर जो बुराई है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे तो अपना जीवन संवर सकता है, अपना भविष्य संवर सकता है। धन्यवाद।